नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल नागनपुरिया, नागनपुरिया पोल्ट्री इक्विपमेंट से एक और नए वीडियो के साथ में। हम यहां पर रिव्यू करेंगे एक डीजल ब्रूडर का, जो 20 केवीए का डीजल ब्रूडर है, इसका हम रिव्यू करेंगे। ये नागनपुरिया का प्रोडक्ट है और इसमें आता है एक रिमोट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, सही है, ये आपने देखा होगा कि रिमोट कंट्रोल्ड ब्रूडर इंडिया में कहीं भी नहीं है। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। जहाँ भी ब्रूडर पिछले साल बिके थे और जितने भी ब्रूडर्स परचेज किए हैं फार्मर्स ने अदर कंपनियों से, उसमें यहाँ पर एक नॉब आता है, लेकिन ये जो ब्रूडर है ये टोटली नॉब फ्री है और ये एक इस रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा टाइम हो चुका है इस ब्रूडर को स्टार्ट करने का। मैं आपको इसका मैनुअल बता रहा हूँ कि बहुत से फार्मर हमें फोन करके पूछते हैं कि सर डीजल ब्रूडर स्टार्ट तो हो गया है, इलेक्ट्रिक से प्लग इन तो कर लिया, लेकिन इसे चलाएं कैसे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले इसे इलेक्ट्रिसिटी में लगाना है। ये सिंगल फेज पावर का एक ब्रूडर है। इसका जो पावर कंजम्पशन होता है, हमारे यहाँ पर जितना एक सीलिंग फैन होता है उतना इसका पावर का कंजम्पशन है। इसको हम पिन अप करेंगे। ये हमने इसे कनेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी से, इसमें पावर आ चुका है यहाँ पर। ये बेसिकली एक न्यूली डिजिटल डिस्प्ले है जिसमें हम तीन प्रकार से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक टाइमिंग से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, दूसरा टेम्परेचर से ऑपरेट कर सकते हैं, तीसरा मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर से इसे ऑपरेट कर सकते हैं हम। तो जो पिछले ब्रूडर्स थे, जो मैनुअल ब्रूडर्स थे, उसमें किसी भी प्रकार का डिले नहीं था कि मैक्सिमम टेम्परेचर हम इसमें 35 डिग्री रखें या मिनिमम टेम्परेचर रखें। इसमें ये सारी चीजें हैं जो एक पोल्ट्री फार्म में रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम इसको रेड प्रेस करेंगे, रेड रिमोट का रेड स्विच प्रेस करेंगे, एकदम हमारे टीवी जैसा। इसको हमने स्टार्ट किया, ये स्टार्ट। इसमें मिनिमम टेम्परेचर 18 दिख रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर 40 दिख रहा है। इसको हम सेट करेंगे, तो टाइम वाला जो है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये लॉन्ग प्रेस करने पर मैक्सिमम टेम्परेचर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसे हम सेट करेंगे 35 डिग्री, जो कि हमारे फार्म का प्रेजेंट टेम्परेचर होता है। फिर हम दूसरे वाला सेट करेंगे 40। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसमें E1 की एक वो आई हुई है, इसमें E1 का सिग्नल आया। इसका मतलब इसके अंदर डीजल नहीं है, है ना। इससे सबसे पहले हमें डीजल फील करना पड़ेगा, उसके बाद में E1 का सिग्नल हट जाएगा। हम यहाँ पर एक वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हमने डीजल इसमें फील नहीं किया है। इसमें सिर्फ हम डिस्प्ले की सेटिंग बता रहे हैं। फिर से इसको हम बंद करेंगे और फिर से हम चालू करेंगे इसे। ये चालू किया तो मैंने मिनिमम टेम्परेचर 33 सेट किया है और मैक्सिमम टेम्परेचर 35 सेट किया है। जब ये मैक्सिमम टेम्परेचर 35 पर आ जाएगा ये वाला, तब ये ब्रूडर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और जब ये मिनिमम टेम्परेचर पर जाएगा 33, तो ये वाला ब्रूडर जो है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। इसको हम टाइम से भी सेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको हम प्रेस करेंगे ऊपर वाली, ये देखिए, इसको हम टाइम पर भी सेट कर सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। इसको हम इस टाइप से भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे तक चलाना है, कितने घंटे तक नहीं चलाना है या बंद करना है, उसको इसके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। ये एक नया फीचर है सभी डीजल ब्रूडर्स। ये एक ब्रूडर है, बहुत अच्छे से इसका यूज होता है। इसको पास में भी जा करके नहीं हम करना चाहते हैं तो दूर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। कम से कम इसकी रेंज मिलेगी आपको 20 फीट, 20 फीट दूर से इस ब्रूडर को आप ऑपरेट कर सकते हैं वेरी इजीली। और ये ब्रूडर कम से कम 2000 स्क्वायर फीट को कवर करता है, लेकिन आपके जो फार्म की हाइट होनी चाहिए, फार्म की सीलिंग हाइट होनी चाहिए 7 फीट, और 2000 स्क्वायर फीट पर ये कवर करता है। कम से कम 5000 बर्ड को ये
बहुत आसानी से कवर कर सकता है। इसकी हीटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और इसका जो डीजल का कंजम्पशन है वो 2 लीटर प्रति आवर का है। 2 लीटर एक घंटे में डीजल का इसका कंजम्पशन है और ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत किफ़ायती दाम पर है। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमारे नीचे दिए गए कॉल सेंटर्स नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं।